बोले जल्दी। आपके टेलीफोन में आपने रिपोर्ट करा है, आपने रिपोर्ट करा है ना उसको? सर ऑटोमेटिक तो आप पर ना अपने जिला कष्ट निवारण समिति की बैठक में 14 शिकायतें थी और उसमें से कुछ शिकायतें जो है उनका समझौता हो चुका है और लोगों ने जिस बात को लेकर के शिकायत की थी उनको उसका समाधान मिल गया और कुछ कंप्लेंट ऐसी थी जिनमें हमने दोबारा से जो है ना इन्वेस्टिगेशन के लिए जो है लिखा है और दोबारा से उनको इन्वेस्टिगेट करा करके जो भी उसमें तथ्य सामने आएंगे उसके आधार पर जो है ना अगली मीटिंग में उसमें कार्रवाई करेंगे और लोग इसलिए यहाँ ग्रीवेंसेज की मीटिंग में आते हैं कि उनको न्याय मिले और हमारा भी यही मकसद रहता है कि लोगों को यहाँ से न्याय मिले, लोगों का विश्वास बने कि ये प्लेटफार्म सबसे अच्छा है जहाँ हम शिकायतें लेकर के आते हैं उसका हमने निवारण, उन शिकायतों का निवारण होता है। तो उसके अलावा भी काफ़ी जो कंप्लेंट्स लोग जो है अपनी अप्लीकेशन लेकर के आए हैं उनका भी हमने संबंधित डिपार्टमेंट को मार्क करके कि ताकि उनका भी समाधान लोगों को मिले, तो ऐसी काफ़ी जो है ना लोगों ने अप्लीकेशनें भी दी हैं लिखित में, अपनी कंप्लेंट्स दी हैं तो उनका भी उनको समाधान जरूर मिलेगा और जो अपने कुछ लंबित मांगे रह रही हैं अगली मीटिंग में उनको लगभग जो है ना सबको सॉर्ट आउट करेंगे। हाँ एक्चुअली इसमें दो तरह की वो है कंप्लेंट्स, एक में तो लड़ाई झगड़े का और एक में ताला लगाने की है। जो ताला लगाने वाली है, जो लड़ाई झगड़े वाली है वो तो उनका आपस में राजीनामा हो गया, पर जो ताला लगाने वाली है उसकी पेंडिंग है, उसी के लिए ग्रीवेंस कमेटी ने हमें आदेश किए हैं कि FIR दर्ज है। पर इसमें थोड़ा सा मैं एक चीज़ बताना चाह रहा हूँ, क्योंकि इसमें 36 कर्मचारी थे जो आउटसोर्सिंग के कर्मचारी थे जो इसमें इन्वॉल्व थे, तो कुछ लोग ठेका पूरा होने के बाद छोड़ गए, तो हमें इसमें इंक्वायरी करने में थोड़ी सा दिक्कत आ रही थी कि उनको बुला के हमें उनके बयान लेने पड़ रहे थे। तो ये हमारा जो था ये कार्रवाई इस पर चल रही थी थोड़ा, क्योंकि ग्रीवेंस कमेटी ने हमें आदेश दिए हैं कि हम FIR करें, तो उनके थोड़ा जल्दी करके उन सबको बुला के उनके बयान करवा रहे हैं और जल्द ही हम इनके खिलाफ जो भी दोषी हैं उनके खिलाफ हम FIR करा देंगे। तो डॉक्टर साहब कहीं ना कहीं सरकारी संपत्ति का ताड़ा लगाना एक आउटसोर्सिंग के कहीं ना कहीं ये गलत है? बिल्कुल नहीं, ये तो बिल्कुल गलत है। सरकारी कार्य में बाधा डालना तो अपने आप में एक अपराध की श्रेणी में आता है। डॉक्टर साहब कहीं ना कहीं ये मामला कहीं ना कहीं लेट होता नजर आ रहा है? देखिए क्योंकि कुछ कर्मचारी छोड़ गए थे इसीलिए लेट हो रहा था, उन्हें बुलाया जा रहा था वो नहीं आए क्योंकि वो पक्के कर्मचारी थे नहीं, अब जहाँ काम कर रहे हैं वहाँ से काम छोड़ के नहीं आ रहे थे, पर हमने उनको प्रेशर बनाया ताकि जल्दी आए और अगले 4-5 दिन में हम करके और FIR वगैरह जो करवा देंगे। तो विलंब में लगता नहीं कि कहीं कोई दबाव हो रहा हो या कुछ ऐसा? नहीं देखिए हमारे पास कोई दबाव नहीं है किसी चीज़ का, बस वो कर्मचारी की उपलब्धता नहीं है जो जिनके हमें बयान दर्ज करने के। कितने कर्मचारी होंगे? 36 कर्मचारी। कुछ जो मौके पे थे सभी मौके पे थे वहाँ पे? पूरी डिटेल्स तो मालूम नहीं है क्योंकि मैं वहाँ का इंचार्ज नहीं हूँ, मुझे अभी चार्ज मिला। तो अब उसमें क्या प्रोग्रेस है और आप क्या आश्वासन देना चाहते हैं कि कब तक पूरी हो जाएगी? इसमें तो है अगले वीक में हम पूरी कार्रवाई करके और जो भी दोषी हैं उनके खिलाफ FIR करवा देंगे। K9 मीडिया अब आपके लिए लेके आया है लेटेस्ट टेक्नोलॉजी विद फुली वायरलेस सिस्टम, जिसके द्वारा आप अपने किसी भी प्रोग्राम को लाइव कर सकते हैं, जैसे कि राजनीतिक रैली, जलसा, जागरण और स्पोर्ट्स इवेंट।